I'm Shubhangi Jain and this is part 2 of your chapter number 14, that is India under British rule. In this part we will learn about revolt of 1857 and some reformers. Revolt of 1857. Ever since the British established their hold in India, people in different parts of the country had been protesting against the unjust policies of the British. तो अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा होल्ड इंडिया पे जमा लिया था, तो हर पार्ट से, हमारी कंट्री के हर पार्ट से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे थे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल अनजस्ट है, अनफेयर है. इट वॉज ओनली इन 1857 दैट अ मैसिव रिवॉल्ट ब्रोक आउट विच क्विकली स्प्रेड अमंग द लार्ज सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. और 1857 में इसी वजह से एक रिवॉल्ट हुआ जिसमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, हमारी इंडियन सोसाइटी के बड़े बड़े सेक्शंस ने आकर इस रिवॉल्ट को साथ दिया. दिस रिवॉल्ट इज नोन एज, और इसीलिए इस रिवॉल्ट को क्या नाम दिया गया, सिपॉय म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. क्योंकि इसी टाइम पे इंडियन ने पहली बार अपने इंडिपेंडेंस के लिए एक रिवॉल्ट किया था. द रिवॉल्ट बिगेन आफ्टर इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी. ये रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट था, ऐसे इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, जिनको हम सिपॉयस के नाम से भी जानते थे. क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम कर रहे थे इंडियन सिपॉयस, तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया था किस चीज़ के लिए, कि ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफल अराइज की थी, एक नई राइफल का उन्होंने यूज़ करने के लिए किसको फोर्स किया था, सिपॉयस को, इंडियन सिपॉयस को उन्होंने फोर्स किया कि आपको एक नई राइफल यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम था दी एनफील्ड. द राइफल वॉज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, वाइल लोडिंग इट इन द राइफल द सोल्जर्स हैड टू बाइट वन एंड ऑफ द कार्ट्रिज विद देयर माउथ. जो हमारी जो एनफील्ड राइफल थी, इसको मुंह से बाइट करके, यानी आपके माउथ से ओपन करना रहता था. और एक इस तरह के र्यूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि ये जो ग्रीस इसमें बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, काउ फैट से बनाया गया है और पिक फैट से इसको बनाया गया है. और इसी चीज़ को अगर वो लोग मुंह से ओपन करेंगे, माउथ से ओपन करेंगे, तो ये अगेंस्ट देयर रिलीजन होगा. दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम सोल्जर्स. क्योंकि ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसकी ग्रीसिंग किससे हुई थी, कार्ट्रिज से ग्रीसिंग हुई थी, और ये किससे बनी हुई थी, पिक फैट और काउ फैट से. और ये हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स एज वेल एज मुस्लिम सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थी, और इसलिए ये लोग ने क्या किया, एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया. नाउ नेक्स्ट, जो इंडियन सिपॉयज थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम ये राइफल्स को यूज़ नहीं करेंगे, और इसी वजह से ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ. द नेम ऑफ द सोल्जर हु इनिशिएटेड द रिवॉल्ट इज मंगल पांडे. पहली बार जो ये रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था, मंगल पांडे सिपॉय थे, ये इंडियन सिपॉय थे किसमें, ब्रिटिश आर्मी में. द रिवॉल्ट स्पार्क्ड ऑफ द बाय द सिपॉय सून स्प्रेड अक्रॉस नदर्न इंडिया एंड बिकेम अ मास रिबेलियन. ये जब रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में, और एक बड़ा रिबेलियन बन के अराइज हुआ. द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ. सबसे पहले रिवॉल्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था, मेरठ में. इट वॉज जॉइंड बाय फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. फिर इसको किसने ज्वाइन किया, पहले तो सिपॉयज ने स्टार्ट किया कहाँ पे, मेरठ में. उसके बाद फार्मर्स, क्राफ्टमैन और हमारी सोसाइटी का जो बाकी सेक्शन था वो भी इसमें आकर ज्वाइन हुआ. द सोल्जर्स डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर एज देयर लीडर. जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे जो लीडर रहेंगे उनमें लास्ट मुगल एम्परर कौन रहेगा, बहादुर शाह जफर. यानी बहादुर शाह जफर के बाद हम किसी और लीडर का अपने ऊपर रूल इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे. द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एट कानपुर. और ये जो रिवॉल्ट था उसके बाद और किस किस ने ज्वाइन किया, कानपुर में नाना साहेब ने, उसके अलावा अवध में बेगम हजरत महल ने, और झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने, और बिहार में कुंवर सिंह ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया. द ब्रिटिश वर टेकन बाय सरप्राइज. और इसी वजह से ब्रिटिशर सरप्राइज हो गए कि हर तरफ से हम पे क्या हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है. दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट द रिवॉल्ट वुड टर्न इनटू अ मास रिबेलियन. उनको कभी उन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि इस तरह का छोटा सा रिवॉल्ट एक बड़ा मास रिबेलियन बनके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा. अलार्म बाय इट दे रिस्पॉन्डेड विद द फोर्स. जब उनको इस चीज़ से शौक लगा तो उन्होंने फोर्सफुली इस चीज़ के लिए, इसके अगेंस्ट वर्क किया. इन सितंबर 1857, बेयरली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द रिवॉल्ट स्टार्टेड, द ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली फ्रॉम द रिबेल्स एंड वर फाइनली सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट. 1857 में कुछ ही मंथ हुए थे रिवॉल्ट को स्टार्ट हुए, और उसी टाइम पर ब्रिटिशर्स ने पूरे दिल्ली को कैप्चर कर लिया. वहाँ पे जितने भी रिबेलियंस थे उनको कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट था इंडियंस का वो सप्रेस हो गया, यानी दबा दिया गया, और ब्रिटिशर्स क्या हुए, सक्सेसफुल हुए. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड इन एविक्टिंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. अब हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट था वो तो फेल हो गया, इस रिवॉल्ट के थ्रू तो हम ब्रिटिशर्स को यहाँ इंडिया से भगा नहीं पाए. और इसके कई रीजंस थे, देर वर मेनी रीजंस फॉर दिस फेलियर. फर्स्टली, पहली चीज़ तो ये थी कि इट हैड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. पहली चीज़ तो क्या थी कि ये जो हमारा रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स,
ये हर जगह से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ कुछ रीजंस में कुछ लोग इसको ज्वाइन कर पाए थे, और यही रीज़न था कि इंडियंस ने यूनिटी नहीं दिखाई और वो फेल हो गए. एंड देर वर मैनी इंडियन रूलर्स हु डिड नॉट सपोर्ट इट, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रूलर्स कौन थे, मुगल्स, और मुगल्स किसके अंडर कंट्रोल थे, ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने हमारे इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया. सेकेंड रीज़न था द रिबेल डिड नॉट हैव सफिशियंट फंड्स एंड गुड्स वेपन्स. सेकेंड रीज़न था हमारे इंडियंस के पास में अच्छे वेपन्स नहीं थे, फंड्स नहीं थे कि वो रिवॉल्ट के अगेंस्ट वर्क कर पाए. द इंग्लिश सोल्जर्स वर वेल ऑर्गेनाइज एंड हैड मैनी मनी एज वेल एज मॉडर्न वेपन्स. वहीं अगर इंडियन सोल्जर्स के पास करें तो उनके पास मनी भी थी, यानी उनके पास फंड भी थे और मॉडर्न वेपन्स भी थे. आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड. और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इस सप्रेशन के बाद, यानी इस रिवॉल्ट के सप्रेशन के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल थोड़ा कम हुआ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था. इट ऑल्सो अलाउड इंडियन किंग्स टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज इफ दे अग्रीड टू एक्सेप्ट इट्स अथॉरिटी. उन्होंने इंडियंस को अलाउ किया कि वो अपनी टेरिटरीज पर रूल कर सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त क्या थी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ये थे कि उन्हें ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो काम किसके अंडर करेंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर, और फिर वो अपनी टेरिटरी अपने हिसाब से रूल कर सकते थे. वर्किंग फॉर्म फॉर रिफॉर्म्स. अब इन सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए किस किस ने काम किया. मैंने सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच कॉज सफरिंग अमंग द पीपल वर बिगिन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सच एज. इसी टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो एविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड. यानी सती मींस जिसमें हम जो विडो होती है उसको अपने मेल हस्बैंड के साथ ही जला दिया करते थे. सेकंड था फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी अगर न्यू बेबी बॉर्न अगर वो फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज, यानी छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी. और कुछ ऐसे कास्ट सिस्टम जो इंडिया में प्रिवलेंट थे, इन सब के अगेंस्ट भी वर्क किया गया. द एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश प्लेड अ मेजर रोल टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस. और इन सब को रिमूव करने के पीछे किसका हाथ था, ब्रिटिशर्स का. ब्रिटिशर्स ने जो नया एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अप्लाई किया था उससे लोगों की सोच में बदलाव आया, और उससे ये हमारी सारी प्रैक्टिसेस इंडिया में खत्म हुई. मैनी एजुकेटेड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग सच प्रैक्टिसेस. और इसी वजह से जो लोग एजुकेटेड हुए उन्होंने इन चीज़ों पर सवाल उठाना स्टार्ट किया. ऐसे ही जो रिफॉर्मर्स थे उनके नेम्स क्या क्या थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती. इन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी को इन सब चीज़ों से दूर लाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था. दे अलॉन्ग विद अदर रिफॉर्मर्स वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन. इन्होंने इन सब रिफॉर्म्स के साथ साथ हमारे इंडिया में जो वुमेन्स है उनका स्टेटस भी इम्प्रूव किया था. दे ऑल्सो एनकरेज विडो रीमैरिजेस एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. इन्होंने जो विडोज हो जाती थी उनकी रीमैरिज का भी रूल इस्टेब्लिश इस पर इनकरेज किया, और जो गर्ल्स की एजुकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम. इन्होंने अच्छे से प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट, सती सिस्टम के अगेंस्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया. और इसी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इंडियन से ये जो एविल प्रैक्टिसेस थी इंडिया से वो रिमूव हो पाई. नाउ द राइज ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म होता क्या है, इट इज़ द फीलिंग दैट पीपल हैव ऑफ बीइंग लॉयल टू एंड प्राउड ऑफ देयर कंट्री. कि हम अपनी कंट्री के लिए कितना प्राउड फील करते हैं और हम अपनी कंट्री के लिए कितने लॉयल हैं, यही चीज़ क्या होती है, इसी फीलिंग को हम बोलते हैं नेशनलिज्म. हाउ वॉज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बॉर्न इन इंडिया. तो ये फीलिंग इंडियंस में कैसे आई, एजुकेटेड इंडियन रियलाइज दैट द हार्म दैट वॉज बींग डन टू इंडिया बाय द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉयटिंग इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज बाई कीपिंग द कंट्री पुअर एंड बैकवर्ड. दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. अब इंडियंस को रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे पुअर और बैकवर्ड होते जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन्स क्या हैं कि हम लोग ही यूनाइटेड नहीं हैं. और ये रियलाइजेशन अब हो चुका था किसको, इंडियंस को. Now, slowly this feeling of unity and nationalism grew stronger and led to the birth of INC. अब धीरे धीरे ये यूनिटी की फीलिंग लोगों में इंक्रीज़ हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें इंक्रीज़ हुई, और उन्होंने किसका बर्थ हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी हमारी एक टीम बनी INC. कब, इन 1885 इंग्लिश मैन कॉल्ड एलन ऑक्टेवियन यूम फाउंडेड द INC. कौन थे ये, इसके स्टैब्लिशर कौन थे, एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन हूम. द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे. पहली बार इसकी जो मीटिंग हुई वो बॉम्बे में हुई, जिसमें 72 डेलीगेट्स जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से थे, यानी 72 मेंबर्स हम कह सकते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. प्रेसिडेंट कौन थे इसके, WC बॉनर्जी. अर्ली लीडर्स और कौन थे इसके, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन त्याबजी ये इस मीटिंग में इन्वॉल्व हुए थे। ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स आई एन सी टुक मैनी स्टेप्स टू वेकन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। स्टार्टिंग ईयर्स जो थे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा वर्क किया कि लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में एक स्पिरिट जगा सके किस चीज़ की, यूनिटी की। इट्स लीडर्स रॉट आर्टिकल्स एंड गेव स्पीचेस क्रिटिसाइजिंग British policies and actions. Many of its leaders such as Surendranath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale submitted requests for reform to the British. They were called moderates. और इसी टाइम पे इन लोगों ने ऐसी स्पीचेस दी, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, और उनको क्रिटिसाइज़ किया ताकि लोगों के बीच में क्या है, एक एकता वाली फीलिंग आए। और इसमें मेन रीडर्स कौन थे इस चीज़ के लिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ही अपनी रिक्वेस्ट किसके अगेंस्ट सबमिट करी थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इसलिए इनको क्या कहा गया, मॉडरेट्स। देर वॉज अनादर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस में ही दो ग्रुप थे, एक तो हमने पढ़ा मॉडरेट्स, दूसरे थे रेडिकल्स विच वॉन्टेड लीडर्स टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्गर मैथड। ये चाहते थे, रेडिकल्स चाहते थे कि जो लीडर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैथड्स यूज़ करें ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, जैसे कि बॉयकॉट कर देना, स्ट्राइक्स कर देना, टू मेक द ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, ताकि ब्रिटिशर्स क्या करें, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉल्व करना चाहते थे। लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये इसी ग्रुप से बिलोंग करते थे और इस ग्रुप को नाम दिया गया रेडिकल्स। These leaders wanted Swaraj, that is, Swaraj का मतलब था सेल्फ रूल फॉर इंडिया। ये लोग चाहते थे कि सिर्फ किसका रूल हो, अगर हम इंडियंस हैं तो रूल भी किसका होना चाहिए, इंडियंस का ही। तो बाल गंगाधर तिलक once declared, Swaraj is my birthright and I shall have it। और इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा भी था कि स्वराज क्या है, मेरा birthright है, ये मुझे जन्म से मिला है और मैं इसको पजेस करना चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है। द कांग्रेस स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे ये कांग्रेस जो हमारी पार्टी बनी थी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती गई। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसकी जब कांग्रेस की पॉपुलरिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंशन हो चुकी थी। इन ऑर्डर टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड मैनी स्ट्रिक्ट लॉज। अब ब्रिटिशर्स का अगला स्टेप क्या था कि वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग अराइज हो रही थी ड्यू टू कांग्रेस पार्टी, वो इस चीज़ को दबाना चाहते थे। और अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बना रहे थे। द ब्रिटिश यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू एनकरेज डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसीज इस्टेब्लिश की, इनकरेज की, जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, कि जितना हो सके आप लोगों को डिवाइड करो। और हिंदू मुस्लिम में ये लोग क्या लाना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते थे, और इसी से अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।